वेलकम टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है सोशल ऑडिट एमसीक्यूज। दिस इज आवर 77th वीडियो फॉर द जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज टू। वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ ए कंपनी इज टू। हियर ए इज प्रोटेक्ट द interests of the minority shareholders, b is detect the prevent errors and fraud, c is attest to the credibility of the company's accounts. Here answer is option c. The fundamental objective of the audit of a company is to attest to the credibility of the company's account. So option c is the right answer. Next question is, the concept of stewardship means that company's directors dash. The concept of stewardship means that company's directors dash. Here A is are responsible for ensuring that the company complies with the law. B is safeguard the company's assets and manage them on behalf of shareholders. Here option B is the right answer. Once again the question is, the concept of stewardship means that the company's directors, here B is the right answer, safeguard the company's assets and manage them on behalf of shareholders. Next question is, why do auditors concentrate their efforts on material items in accounts? Why do auditors concentrate their efforts on material items in accounts? Here A is because the risk to the accounts of their being incorrectly stated is greater. ठीक है, यही इसका जो है आंसर है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बोल रहा है कि why do auditors concentrate their efforts on material items in accounts? ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो ऑडिटर्स हैं, क्वेश्चन में जो ये पूछा गया है कि जो ऑडिटर्स हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल आइटम्स जो है अकाउंट में जो मटेरियल आइटम्स हैं उनके ऊपर जो है वो एफर्ट, यानी कि वो ज़्यादा जो है जो कोशिश करते हैं, ज़्यादा जो है वो मेहनत करते हैं मटेरियल आइटम इन अकाउंट्स, यानी कि कुछ जो चीज़ें हैं बीच में गलत उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिकॉज द रिस्क टू द अकाउंट्स ऑफ देयर बींग इनकरेक्टली स्टेटेड इज ग्रेटर, यानी कि अकाउंट में जो है कुछ गड़बड़ी के चांसेस जो है वो क्या होते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। सो इसके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आंसर इज बिकॉज द रिस्क टू द अकाउंट्स ऑफ देयर बींग इनकरेक्टली स्टेटेड इज ग्रेटर। ठीक है, अकाउंट में जो गड़बड़ी होने के चांसेस जो है मटेरियल जो आइटम्स हैं उसमें जो है अकाउंट जो है उसका उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हेयर ए इज रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, बी इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सी इज कीपिंग प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हेयर ए इज द राइट आंसर, दैट इज Which of the following is not the responsibility of board of directors? Answer is reporting to the shareholders on the accuracy of the accounts. So here option A is the right answer. Next question is, international auditing standards are issued by the. जो international auditing standards हैं वो कौन issue करता है? Here A is International Accounting Board, B is Financial Accounting Standard Board, C is International Audit and Assurance Standard Board. ठीक है, तो IAASB जो है इसको इशू करता है, दैट इज इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है यहाँ पे? तो देखो यहीं पे जो है इसका क्वेश्चन में ही आंसर है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय द, तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग Standards are issued by the International Audit and Assurance Standard Board. Option C is the right answer. Next question is,
when an auditor is proposed for removal from office, which one of the following is he not permitted to do? यानी कि उसको क्या करने की अनुमति नहीं होती है अगर किसी ऑडिटर को जो उसको हटाने का अगर प्रपोजल रखा गया हो, ठीक है? When an auditor is proposed for removal from office, यानी कि किसी को पद से हटाने का अगर प्रपोजल चल रहा हो तो वो क्या नहीं कर सकता है, तो वो क्या नहीं कर सकता है? फर्स्ट ए इज सर्कुलेट रिप्रेजेंटेशंस टू मेंबर्स, उसके बारे में बी इज अप्लाई टू द कोर्ट टू हैव द प्रपोजल रिमूव्ड, वो कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता कि इस प्रपोजल को जो है हटा दिया जाए, ठीक है? तो कोर्ट में उसको जो है अप्लाई करने की अनुमति नहीं है. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर. हियर ए इज ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द कंपनीज बैंकर्स, बी इज ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स, सी इज ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड डी इज ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी वायोलेशन ऑफ लॉ. फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शंस आर ड्यूटी टू रिप्रेजेंट द कंपनी, ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द कंपनीज बैंकर्स. फ्रेंड्स हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द कंपनीज बैंकर्स इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर. अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर. ए इज द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग, बी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, सी इज द ऑडिटर ऑडिट कमेटी. हियर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग. अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर. तो द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग, ठीक है? द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स. फ्रेंड्स ऐसा है, आपने अगर अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो देर इज नो डाउट दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है? आपको मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव अ ग्रेट नीड टू रिवाइज दीज क्वेश्चन टू आर थ्री टाइम्स बिकॉज दीज क्वेश्चन आर न्यू फॉर यू, ठीक है? आपके लिए ये क्वेश्चन नए हैं, तो आपको इन क्वेश्चन की, जैसे बोलते हैं ना कि इन क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, जान खानी पड़ेगी, इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. अगर आपने जो है वर्धमान की कहानी आपने सुनी है, तो मुझे अभी भी वो कहानी याद है कि ऐसा है, उसमें क्या होता है कि एक कुएं के ऊपर वो एक बहुत ही नालायक मेरे जैसा एक स्टूडेंट होता है, और क्लास में जब वो पढ़ने के लिए जाता है तो सारे के सारे बच्चे जो है उसको मजाक करते हैं, क्योंकि उसके माइंड में कुछ कभी बैठता ही नहीं है, ठीक है? जब भी पढ़ता है, जैसे मान लो हम एक बार ये क्वेश्चन जो है रीड आउट करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो वी आर जस्ट लाइक वर्धमान. अच्छा, तो क्या होता है कि उसके बाद में स्कूल से लौटते लौटते ऐसे चलते रहता है, वो 5-6 बार फेल हो जाता है. फिफ्थ में जो है 5-6 बार बच्चा वो फेल हो जाता है. उसके बारे में क्या होता है कि भाई एक दिन क्या हुआ, स्कूल से लौटते लौटते जब वो रास्ते में पहुंचा तो धूप बहुत थी, गर्मी के दिन थे, उसको प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए कुएं के ऊपर रुक गया. वहां पे जाके उसने क्या किया, वहां पे कुछ जो औरतें हैं वो गड़े होते हैं, जो पुराने समय में गड़े होते थे, तो गड़े लेके जो है पानी भरने के लिए आती थी वहां पे कुएं के ऊपर. तो पानी भरने के लिए जो औरतें आई थी वो क्या करती, वहां पे जो गड़ा है रखती थी डेली. तो उस घड़े को रखने की वजह से जो है, जैसे मैं आया, मान लो कि आप कहीं पे जाके बार बार जो है घड़ा रख रहे हैं, तो वहां पे घड़े, हालांकि घड़ा किसका होता है, मिट्टी का, लेकिन मिट्टी के घड़े ने भी वहां पे जो है अपना जो जैसे बोलते हैं कि एक
पूरा उसका जो है मटके का निशान बना दिया था नीचे, ठीक है, जो उसका बेस होता है, बेस के टिकने के लिए वहां पे जो है उसने सीमेंट को भी जो क्या कर दिया था, खाली कर दिया था, यानी कि वहां पे उसने अपना जो है पूरा जो है अच्छे से जगह बना ली थी मटके ने टिकने के लिए। तो वर्धमान जो है, जो बेचारा एक नालायक स्टूडेंट था, सारे उसको हंसी मजाक करते थे, उसको जो है उसने उसके माइंड में ये बात जो है स्ट्राइक कर गई कि यार एक जो मिट्टी का घड़ा बार बार जो है एक जगह के ऊपर रखने से अगर वहां पे जो है अपना निशान बना सकता है, यानी कि अपनी जगह बना सकता है, तो अगर मैं किसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करूं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो क्वेश्चन मैं रिपीट मतलब लर्न ना कर पाऊं। यही बात जो है फ्रेंड्स आप यकीन मानना उसके लिए जो है वरदान साबित हुई, और वही जो वर्धमान है आगे जाके बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अपनी जो लाइफ थी उन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट पाई। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि देर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड बट हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी थी, सॉरी आपका टाइम वेस्ट हुआ फ्रेंड्स। तो ये जो है अगर हमने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो हमें थोड़ी सी फोकस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आप तो इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स हैं, आई थिंक यू हैव नो नीड टू बी वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज वर्धमान जो था वो बहुत पुरानी कहानी थी, आजकल तो 5th जनरेशन का जमाना है। आप जो है अच्छे से मेहनत करिए, सक्सेस इज यूअर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार इसी को देख लेते हैं। अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, हियर ए इज द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, हियर ए इज द डायरेक्टर्स, बी इज द कंपनीज बैंक, सी इज द शेयर होल्डर्स। हेयर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द शेयर होल्डर्स। द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी होती है, द शेयर होल्डर्स, इज टू द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग इज द ऑडिटर्स टर्म ऑफ ऑफिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द ऑडिटर्स टर्म ऑफ ऑफिस, हेयर ए इज अंटिल द नेक्स्ट एजीएम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर इज अंटिल द नेक्स्ट एजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ प्लानिंग, ए इज बैकग्राउंड एग्जाम्पल इंडस्ट्री, बी इज कंसिडरिंग वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो अ ट्रू आर एंड फेयर व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडरिंग टू बी पार्ट ऑफ प्लानिंग, कंसिडरिंग वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू इज नॉट कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ प्लानिंग, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन स्टेटमेंट एलिमेंट ऑफ द सेल्स सिस्टम, कौन सा जो एलिमेंट है मेन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन, ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा मेन एलिमेंट नहीं है सेल्स सिस्टम का, हेयर ए इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स, बी इज मार्केटिंग। फ्रेंड्स, हेयर आंसर इज मार्केटिंग, मार्केटिंग इज नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ ए सेल्स सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच शुड नॉट बी कंसिडर्ड एट द प्लानिंग स्टेज, ए इज द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, बी इज एनालिटिक रिव्यू, सी इज ऑब्टेनिंग रिटन रिप्रेजेंटेशंस, हेयर आंसर इज एनालिटिक रिव्यू। एनालिटिक रिव्यू शुड नॉट बी कंसिडर्ड एट द प्लानिंग स्टेज, वंस अगेन द आंसर इज एनालिटिक रिव्यू। एनालिटिक रिव्यू शुड नॉट बी कंसिडर्ड एट द प्लानिंग स्टेज। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सो आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द प्लानिंग स्टेज यू वुड नॉट कंसिडर डैश, ए इज द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट,
बी इज वेदर करेक्शंस फ्रॉम द इन्वेंट्री कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड. हियर आंसर इज वेदर करेक्शंस फ्रॉम द इन्वेंट्री कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड. यहाँ पे पूछा गया कि एट द प्लानिंग स्टेज यू वुड नॉट कंसिडर, क्या कंसिडर नहीं करेंगे हम, वेदर करेक्शंस फ्रॉम द इन्वेंट्री कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ये जो है हम कंसिडर नहीं करते हैं किसमें, प्लानिंग स्टेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेड मेथड ऑफ सिलेक्शन इन सैम्पलिंग. हियर ए इज सिस्टमैटिक सिलेक्शन, बी इज रैंडम सिलेक्शन, सी इज प्रोग्रेसिव सिलेक्शन. हियर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोग्रेसिव सिलेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेड मेथड ऑफ सिलेक्शन इन सैम्पलिंग. प्रोग्रेसिव सिलेक्शन इज नॉट एन एक्सेप्टेड मेथड ऑफ सिलेक्शन इन सैम्पलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू अनलाइकली टू सी इन द करंट फाइल ऑफ ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू अनलाइकली टू सी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू अनलाइकली टू सी इन द करंट फाइल ऑफ ऑडिटर्स वर्किंग पेपर. हियर ए इज द राइट आंसर, दैट इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ISA 500, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू ISA 500 द स्ट्रेंथ ऑफ ऑडिट एविडेंस इज डिटरमाइंड बाय विच टू क्वालिटीज. वंस अगेन द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ISA 500 द स्ट्रेंथ ऑफ ऑडिट एविडेंस इज डिटरमाइंड बाय विच टू क्वालिटीज. हेयर ए इज रिलायबिलिटी एंड एक्सटेंसिवनेस, बी इज सफिशियंसी एंड appropriateness. Friends, here answer is sufficiency and appropriateness. So option B is the right answer. Next question is यहाँ पे 500 ISA 500 आपको दिख जाएगा. The strength of audit evidence यहाँ पे आपको मिल गया, वहाँ पे sufficiency and appropriateness is the right answer. Next question is which of the following is not a main element of a purchasing system. कौन सा इसमें से जो है मेन एलिमेंट नहीं है परचेजिंग सिस्टम का. ए इज प्लेसिंग ऑर्डर्स, बी इज रिसीविंग परचेजेस इन वॉइसेस, सी इज गुड रिसीव्ड एंड डी इज डिसीजंस एट बोर्ड लेवल ऑन वेदर टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर. हियर आंसर इज ऑप्शन डी, डिसीजंस एट बोर्ड लेवल ऑन वेदर टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ a purchase system. So option D is the right answer. Next question is which of the following is normally the most reliable source of audit evidence. Most important question, which of the following is normally the most reliable source of audit evidence. Here A is internal audit, B is supplier's statements, C is board minutes. Here answer is supplier's statements. Supplier's statements is normally the most reliable source of audit evidence. So this is the last question of today's video. Friends, I hope aapko ye video acha laga hoga. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. Friends, aapki subscription se hi hame ek पॉजिटिविटी मिलती है, हमें एक जो है एनर्जी मिलती है जिससे कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. फ्रेंड्स, प्रिपेयर बेल, परफॉर्म बेल. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.